किबला कारी हसन जमील खान साहब ने तिलावत कुरान करीम की शहादत हासिल की और दौरान तिलावत बड़ी मुअज्ज़ज़ शख्सियात जनाब इज़्ज़त माब राय मुश्ताक अहमद खान साहब और हुजरा शाह मुकीम की सरजमीन जमात अहले सुन्नत दे नाज फखर करन वाले उलमा इकराम आप सारे तशरीफ लाए जी आया नो। अच्छा तुसी थके ते नहीं, फिर की कहना सी? चलो मशवरा कर लो मशवरा एक बार सुभान अल्लाह, जिंदी तबीयत बनती हो जरा सुभान अल्लाह कह दे। स्टेज ते साढ़े बड़े मोहतरम व मुकर्रम आले रसूल फखरे सदात किबला पीर सैयद मुश्ताक अहमद शाह साहब मोइनी, मैं आपनों माइक देना है खिताब वास्ते, लेकिन रजब का महीना है, मेरा भी दिल करता है मौला अली दी बारगाह च मैं दो चार जुमले पेश कर देवां, अगर तुसीं सुभान अल्लाह बोलो। राय साहब अरशद भट्टी साहब ने दो उमरे दे टिकट खुद दिते ने और मकसूद आलम जोईया साहब ने हुजरा शाह मुकीम की जमीन तो एक उमरे का टिकट उन्होंने दिता है, तो राणा मास्टर मुहम्मद अफसल साहब ने एक उमरे का टिकट दिता है। मैं देख रहा सी इधर तो चार बनते ने पंजवे की उम्मीद है, देना है? अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया, चार उमरे के टिकट इन्हों वालों जिन्हों के नाम मैं बोले ने ते पंजवा टिकट तुहाडे वालों। गोडिया तो हाथ चुके हुए यार, जो गोडे छड़ के बोले ना उनके गोडे सलामत रहे, ते जरा मुस्कुरा के बोले उनके चेहरे से गुलाबा तरह मुस्कुराहट इंजी रवे। रजब का महीना है, जरा चारा का मनण वाला है वह भी अपनी मर्जी ना हाथ चुके, जरा साउंड पिछे बह के हाथ चुके। जे अली दे नाम ते भी मंग के दात लई ते की लई मौला लक्ष्मण दी, ठहरी जरा ठहरी 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 कारी साहब, जे अली दे नाम ते भी मंगना पिया फिर बंदे सखी नहीं, ते जड़े सखी ने बिन मंगिया सुभान अल्लाह कहण मैनू पता लग जाए महफिल च सखी कड़े कड़े। आ हा हा स्टेज वाले भी कह सकते ने क्योंकि मेरे आका करीम का फरमान अली शाह ने, मैं तबीयत चेक करन लगा ते किबला नूं मैं माइक देना, सैयद करमानी शाह साहब भी बैठे ने और सदात नूं ही मैं माइक देना, सैयदां दा एक गुलदस्ता सजिया ते राय साहब भी आए, मैं जुमला दे के तुहाडी तबीयत चेक करना जाता बंदा कितने बैठा है। कुछ वाले भीर तू थोड़ी देर थले बह जा, अगे बड़ी तबीयत मेरी। हा 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 बड़ी मेहरबानी आदरी ने गिरामी, मेरे आका करीम का फरमान आली शाह ने मोमन ते मुनाफिक विच वंड करनी होवे ना ते मेरे वीर अली दी गल करन लग जाओ, नारे हुणे पता लग जाता है, हुणे पता लग जाता है। जीते रहो जीते रहो जीते रहो, हाय हा हा अरशद साहब तुसी भी हाथ चुके नारा हैदरी का जवाब देना लाद नान भाई एक बारी फिर राय साहब मजमे में कोई बंदा है जिदा दिल करता है मैं नजब ते मौला दा नारा लावा, जरा लाओ नारा कोई है पन कुछ बंदे बैठे ने शकल वेख के दाद ना दिया करो, कम वेख के दाद दिया करो। अली नूं मनण वास्ते नकीब होना जरूरी नहीं, नाथ खान होना जरूरी नहीं, कारी होना जरूरी नहीं, मौलवी होना जरूरी नहीं। हुण वेखी वड्डा जुमला देना ते तबीयत चक्कर नहीं है, अली नूं मनण वास्ते हलाली होना जरूरी। अली का नाम ही आदम, वो इसमें आदम है। जिस किसी ने पुकारा, जिस किसी ने पुकारा उसी के किसी के काम आया। राय साहब मेरे हुजूर फरमाते ने अली का जिक्र सुन के जिन्हें चेहरा खिल जाए समझ लेना मोमन है।
शकील कादरी कहता जरा गोडिया तो हथ चुक के सुबहाना बोले ओ हा हा ते मेरे हजूर फरमाते ने अली का जिक्र सुन के जिंदा चेहरा खिंच जाए ना समझ लेना मोमन नहीं टिडो पलीत है। राय साहब जरा तुसी भी वेखना तो सैयद बैठे ने सैयद करमानी शाह साहब भी आए ने और मेरा वीर अरशद ने बड़ी मेहनत करके महफिल सजाई है जरा मौला अली दी जात नूं उच्चा मनदा है हाथ चुक के कहो उच्ची जात अली दी उच्ची जात अली दी अरे 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 उच्ची जात अली अली होया ते घर वाले भी आ गए हाथ चुक के कहंदे पए ने तुसी नहीं कहोगे उच्ची जात अले दी बैठो बेटा बैठो उच्ची जात बैठो बैठो सारे बैठो सारे बैठो जात अले दी उच्ची जात अले दी हाथों में हाथ हाथों में हाथ लेके मुसबा ने ये कहा उच्ची जात अले मौला अली मेरे हुजूर फरमाते ने मैं इलम दा शहर वा सैयद आले रसूल किबला पीर तरीकत राबर शरीयत किबला पीर सैयद दिलबर हुसैन शाह साहब गिलानी परसों न्याज बेग लाहौर विच भी इकट्ठे सी हुण अज भी इकट्ठे हैं अल्लाह करे मदीने भी इकट्ठे होइए ते जड़ा ओ जावे मदीने पांच उम्रे दा टिकट ने या अल्लाह पहला उंदा निकले जिंदी उच्ची आवाज होके बोले उच्ची जात अली दी उच्ची जात अली दी उच्ची जात अली दी अले अले हक अले उच्ची जात अली दी मैं इलम दा शहर वा ते अली दरवाजा है लक्ष्मणी साहब जरा ला ला मैं इलम दा शहर वा ते अली दरवाजा है जड़ा इस दरवाजे थानी जाना चाहंदा है वो अपनी मर्जी ना बोले सुभान अल्लाह पता चल शाह जी करमानी शाह जी मैं शाह जी नु माइक देना है एक यहूदी ने सोचिया मैं अली दे इलम दा इम्तिहान लवां जे अली इलम दे शहर दा दरवाजा है ते अली कोलो इलम किन्ना मैं चेक करा मेरे मौला मुर्तजा नमाज पढ़न जा रहे ने एक पैर मस्जिद विच इक बार यहूदी कहंदा अली मेरे सवाल दा जवाब दे के नमाज पढ़ना चेहरा मेरे वाल सज्जे खब्बे नहीं वेखना ते मैं वेखण भी नहीं देना मेरे मौला मुर्तजा फरमान के तेरा सवाल की है यहूदी अर्ज करन लगा अली दसो किहड़े जानवर बच्चे देंदे ने किहड़े जानवर आंडे देंदे ने उंदे ज़हन च ख्याल सी मैं सवाल अली नूं पुछांगा अली सवाल चूल जाएगा नमाज रह जाएगी ओ हुजरा शाह मुकीम वालियो जिन्हां नूं पढ़ाया मुस्तफा ने होवे उन्हां दी नमाज़ां नहीं रहदियां अरे उची जात अरे माला उची जात अरे अली अली हक अली कायलात मेरे मौला मुर्तजा फरमान लगे मेरे मौला मुर्तजा फरमान लगे तेरा सवाल की है उन्हें क्या अली दसो किहड़े जानवर बच्चे देंदे ने किहड़े जानवर आंडे देंदे ने
ते मेरे मौला अली फरमान लगे जिन्हां दे कान बाहर हुंदे ने बच्चे देंदे ने जिन्हां दे कान अंदर हुंदे ओ आंडे देंदे ने तू लिस्ट बना ले कान बाहर थोड़ी गया ले दे उची जात चले दे अली अली हक अली उची जात अली दी शाजी मैं काबे दा तवाफ कर रहा सी काबे दा तवाफ करदे करदे मेरी कोने ते निशानी पई नजर पई अरबिया ने कोशिश की थी निशानी मिट जाए पर मिटदी नहीं बोले नहीं बोले समझ नहीं आई मैं तुहानू दसा वो निशानी की कहंदी है वजह तजीम हरम है कि हाजी को जली याद आए हज का मतलब है कि हाजी को वली याद आए मैंने काबे में रखी है निशानी ताके मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए उची जात अली दी उची जात अली दी बदलाती है ये काबे में मौजूद तराने के उची जात आखिरी गल कर रही है मैं जल्दी जल्दी माइंड अप करने दे नजदीक आ गया क्योंकि शाहजी ने मैं माइक देना है या अल्लाह जिना पंजा चुक के एक गल मन्ने उंदा हद कदी दुनिया दा मोहताज ना रहण दे जिना बोले अले उची जात आए दे ओ करात अले दी अली अली हक अले उची जात अले दी मारा करात अले दी अले जितनी किसे दी अले 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 जितनी किसे मुझे झूठा भरम नहीं आता कभी भी गर्दिश आयाम से डरना नहीं आता मैं घबराऊं क्यों भला तलखिए नारे जहन्नम से घबराए वो जिसे नादी अली पढ़ना नहीं आता नक्शबंदी अदनान भाई मेनू जुमला देन दे एक दुआ देन दे या अल्लाह जरा मौला अली दी जात नु उच्चा मन के गल कवे ऐसे साल रमजान जो दा हाथ काबे दी दीवार नु लगे जाके जी जात अली दी ये उची जात बोलो भाई बोलो कोई हुजरा शाह मुकीम विच एक गल कवे ए शकील कादरी अली अली क्यों करवांदा है ते ओनू मेरे वलो जवाब देना रजब दा महीना जवाब तुसी देना मैं तुहानू दे के चला जाना मेरे जुमले आखरी ने आखरी मेरा शेर है काबे में कांधों पे उठाया क्यों था अली मेरे कंधियां ते चढ़ो ऐ कहंदे पे ने मेरे वीर उच्ची जात अली दी ए दसा किन्नी उच्ची है कंधियां ते चढ़ो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜੋ ਕਾਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੈਟਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਇਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੇ ਦੇ शुक्रिया ओ जागीर दिखा
शेर है, मेरी हाजरी मुकम्मल। काबे में कांधों पे उठाया क्यों था, बाजू पकड़ के बिस्तर पे लिटाया क्यों था, या अली मदद अगर कहना ना जायज है, पूछो नबी से कि कब्र में बुलाया क्यों था। क्योंकि आले रसूल ने हाथ चुक के बोलो चीजा अपनी जगह तो उठे इथों तक कराए ये भी बाजू चुकते ने मैं भी बाजू चुकदा वा इन्हां दे मेरे बाजुआं विच किन्ना करम बोलता है मैं दसा किन्ना करम बोलता है वो ऐसा बाजुआं वाला है जिहड़ा करबला दे विच बाजू वार गया है। खजाने की जो जीनत हो उसे अलमास कहते हैं, तमन्ना कर हो पानी की उसे हम प्यास कहते हैं, जहां पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं दरिया, जो दरियाओं को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। उसी जात अले दे बोलो 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 कहे रात अली इधर आला भाला उसी जात अले दे ये उसी जात अली फिर जी कोई सड़ दाए ते सड़ सड़ पर यसी ये हो कहना उसी जात अली दी अले अले करे कल मैशर दा मैदान होवे इन्हां दे हक विच तुहाडी गवाही होवे कि तुसी हाथ चुक के मैंने सामने कहंदे सी मौला अली दी बारगाह दे विच पे उच्ची जात अली दी ए तुहाडी गवाही होनी है अली दी उच्ची जात अली उच्ची जात अली नाम दे अपने हाथों उठा उची जात अली अरशद भाई देख लो तसीर नाजम दे रुतबे ते भी रहे अल्लाह ने इज्जत दितिया इनिये इज्जत लेके भी हाथ चुक के कहंदे ने उची जात अली दी वाला अली वाला बोलो वाला अली वाला हमाला अली वाला मैं जाती तौर पर वकार साउंड की अगर तारीफ ना करा
ते ए, ए मेरे वीर नाल ज्याती है, बड़ा सोहना साउंड चलाते हैं जी ओ मूवीज़ तो मेरे भाई नदीम साहब पूरी टीम लैके उकाड़ा तो तशरीफ लियाए, इस महफिल की वीडियो कवरेज कर रहे हैं। आले रसूल फखरे सदात पीर तरीकत रहबरी शरीयत किबला पीर सैयद मुश्ताक अहमद शाह साहब मोइनी दामन बरकात खुशिया सरजमीन लाहौर दाता दी नगरी तो तशरीफ लियाए। अज साडे इलाके विच पहली बारी मैनू सादत हासिल हो रही है कि मैं उन्होंने माइक ते दावत दे रहा। अल्लाह अकबर कह रहे जिन्हों को मैं पहली टिकट ली है ना पंजवीं, अगर खुश होकर कहे तो मैं अपने दोनों टिकटों में एक टिकट तो मैं आप मदीने चला जावगा। अगर है तो इरादा तो हाथ चुक के बोल दो ताकि अरशद भाई का हौसला अफजाई भी हो जाएगी तो मदीने का सफर भी हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरे वीर नूं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक चलो हूँ एक टिकट तो इन्हों साड़ी भैन वास्ते इन्हों की मिसेज वास्ते भी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने वास्ते भी सबब पैदा करे तो वह भी इन्हों के नाल ही मदीने पाक चले जाए। जनाबे चार टिकट थोड़े जे हूँ तो पंजवा अरशद भाई ए इंशाल्लाह ताला तुहाडे नाल जाणगे उन्हां चारां बंदियां दे नाल। और मैं सैयद मराता बरी शाह सब करमानी और जनाबे राय मुश्ताक अहमद खल साहब की मुहब्बतां नूं सलामे नियाज पेश करना जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी शफकत फरमाई और अगले साल वास्ते भी उमरे दे टिकट दो दिते ने। अल्लाह पाक ये पौधा इस तरह फलदा फूलदा रहे, तुसीं आंदे रहो मुहब्बतां वंडदे रहो। जिहड़े दोस्त खड़े ने बराए मेहरबानी बैठ जाओ। फखरे सदात आले रसूल सैयद मुश्ताक अहमद शाह साहब मोइनी दामन बरकात खुशिया अपनी रूहानी गुफ्तगू नाल साडे कुलूब नूं मुनव्वर करनगे। बराए मेहरबानी तुसीं बैठो।